सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी अनाउंस हो चुका है और 2023 में सबसे पहला ये गोल्ड बॉन्ड का डेट निकल चुका है। क्या डेट रहेगी, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई के अंदर में, वो हम जानेंगे। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज 9 मार्च है और देख लेते हैं किस तरह हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एसबीआई का ये लॉगिन अकाउंट है, इसमें लॉगिन करने के बाद में आपको कहीं नहीं ई सर्विसेज में जाना है। ई सर्विसेज में सबसे नीचे मोर में चले जाएंगे। ये एसबीआई में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम दिखाई देगी, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें जाने के बाद सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होता है, तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके आने प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में सीधा हम परचेज वाले इसमें जाएंगे। अभी रिटर्न टू परचेज, अब परचेज में हम चले जाते हैं। ये रजिस्टर कर लिया है हमने, अब यहाँ पे परचेज में भी हम प्रोसीड कर जाएंगे। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कितने यूनिट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। इसका करेंट गोल्ड रेट यहाँ दिखा रहा है 5561 रुपये, इसका करेंट गोल्ड रेट है। और यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, तो 1 से लेकर आप 4000 क्वांटिटी डाल सकते हैं। मतलब 1 ग्राम से लेकर आप 4 किलो तक सोना ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि आप इसमें जब अप्लाई करते हैं तो 2.5% का आपको ब्याज मिलता है। मैं यहाँ पे 11 यूनिट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ नॉमिनी नेम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, सब्सक्रिप्शन क्वांटिटी कितनी देनी है तो 11 दे देता हूँ, पूरी पूरी डाल देता हूँ। सेकेंडरी कुछ नहीं डालेंगे हम। और यहाँ टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है वो भी दिखा रहा है। नॉमिनी, सेकेंड नॉमिनी भी यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी। आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, क्या अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं या किसको बनाना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डीमेट अकाउंट में मैं चाहता हूँ कि मेरा ये अकाउंट क्रेडिट हो जाए, तो सिंपल सा मैं NSDL में क्रेडिट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं DP ID और क्लाइंट ID डालूंगा। DP ID और क्लाइंट ID आपके ब्रोकर से आप पता कर सकते हैं, आपकी ब्रोकर की वेबसाइट पे जरूर दिया रहता है, आप जहाँ से लॉगिन करते हैं वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी क्लाइंट ID और ब्रोकर ID 8 डिजिट की होती है दोनों की दोनों, तो ये आप डालने के बाद में सीधा आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, कौन आपका नॉमिनी है, सारी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में OTP आपके पास जाएगा मोबाइल में, वो OTP आपको डाल, तो ये OTP मेरे पास आ चुका है, मैं OTP इंटर कर देता हूँ। और अभी देख लेते हैं कि परचेज हुआ है या नहीं। और ये देखिए ये परचेज हो चुका है, इसका प्रिंट स्क्रीन आप लेकर रख सकते हैं। ये आपका रेफरेंस नंबर और ऑर्डर ID बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा।